में रीमा प्रसाद इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर नजर डालेंगे। अमेरिकी दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात के ठीक बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का बड़ा बयान सामने आ चुका है। भारत के कड़े रुख और अमेरिका का साथ न मिल पाने के बाद कनाडाई पीएम के सुर बदले बदले नजर आए। जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट करके बाकायदा ये कहा कि वो भारत के साथ अभी भी मजबूत रिश्ते कायम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जस्टिन ट्रूडो ने यह भी माना कि भारत एक बढ़ती हुई आर्थिक ताकत है, आर्थिक तौर पे बहुत मजबूत है भारत और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हालांकि इसके पहले कनाडा के पीएम ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था और इसी के बाद ये पूरा विवाद बढ़ गया था और जिस पर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए कड़ा रुख अपनाया, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनातनी की स्थिति देखने को मिली, तनाव देखा गया। अब इस तनाव को कम करने के लिए कनाडा की ओर से ही पहल की गई। तो अगर कनाडा के प्रधानमंत्री यानी कि जस्टिन ट्रूडो के सुर बदले नजर आ रहे हैं तो इसके पीछे दो बड़ी वजह सामने आ रही है। पहली वजह यह है कि कनाडा के बयान बाद भारत का कड़ा रुख और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत को अमेरिका का साथ मिला। इसलिए ट्रूडो अब ये कह रहे हैं कि भारत के साथ अच्छे संबंध जरूरी है क्योंकि भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था है। बहरहाल ट्रूडो के इस ट्वीट से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से वॉशिंगटन में मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने पर बातचीत हुई। हालांकि इस दौरान अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत के सामने कनाडा का मुद्दा नहीं उठाया, जबकि कनाडा के पीएम ट्रूडो ने यह दावा किया था कि अमेरिका जरूर कनाडा का मुद्दा उठाएगा। आपको यह भी बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। इससे पहले कनाडा के पीएम ट्रूडो ने कहा था कि अमेरिका भारत के सामने कनाडा विवाद का मुद्दा जरूर उठाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि यकीनन अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारतीय विदेश मंत्री के साथ मुलाकात में एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या का मुद्दा उठाएंगे, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कनाडा के पीएम को झटका भी लगा और उन्हें निराशा भी हाथ लगी। और यही वजह है कि उन्होंने सीधे सीधे कहा कि भारत उभरती हुई आर्थिक ताकत है और इसके साथ हम आने वाले वक्त में मजबूत रिश्ता कायम करेंगे। The Americans have been with us in speaking to the Indian government about how important it is that they be involved in following up on the credible allegations that agents of the Indian government killed a Canadian citizen on Canadian soil. This is something that all democratic countries, all countries that respect the rule of law need to take seriously. इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा है कि आज अपने मित्र अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मिलकर बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद व्यापक चर्चा हुई है, वैश्विक विकास पर भी चर्चा की गई। बहुत जल्द हमारी 2+2 बैठक भी होगी। और ऐसा ही ट्वीट अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी किया है और अगली 2+2 मीटिंग दिल्ली में करने के लिए उत्सुकता जताई है।